अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बिल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। व्यूअर, आज के इस लेसन में हम एमएस एक्सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिस्कस करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि कंडीशन, कुछ कंडीशन जब फुलफिल हो तो कुछ सर्टन फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, तो इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग बेसिकली लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करती है। एमएस एक्सेल में आप एमएस एक्सेल को लॉजिक देते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाए किसी भी टैक्स के अंदर, किसी भी वैल्यू के अंदर, तो आप उसको सर्टन फॉर्मेट में हाईलाइटेड कर दें, उसकी फॉर्मेटिंग सर्टन स्टाइल में शो कर सकते हैं। चले चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट वर्कर की सैलरी शीट्स है। व्यूअर्स, यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स मेरे पास आ रहे हैं। अब व्यूअर्स, इन ये वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ ईयर्स हैं। नंबर ऑफ ईयर बेसिकली इंडिकेट करता है कि कितना अरसा हो गया किसी वर्कर को हमारे साथ काम करते हुए। तो आप जो है, या तो आप यहाँ ये कंडीशन लगाना चाहते हैं, आप चेक करना चाहते हैं कि 10 साल से ऊपर का अरसा कितने वर्कर को हो गया। अगर आप कोई भी अपना सैलरी प्लान बना रहे हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि आप ये सैलरी प्लान बना रहे हैं कि 10 साल से ऊपर जितने भी वर्कर्स और एम्प्लॉय हमारे ऑफिस में हैं उनकी सैलरी 10% इंक्रीज़ कर दी जाए, और जो 5 साल से ऊपर हैं उनकी 3% इंक्रीज़ कर, अगर ये आप प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ से आप वन बाय वन आकर चेक करें और उनको, उन वर्कर्स को हाईलाइट करें कि ये वाले वर्कर 10 साल से ऊपर हैं, इनको आप हाईलाइट करें। तो ये एक मैनुअली आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी काम है। ठीक है, अगर आपके पास 400 एम्प्लॉइज हैं तो बहुत ही लेंथी काम है, आप इसको जो है मैनुअली बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन है कि हम एक सिंगल क्लिक के थ्रू जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे डाटे को जो हमारी सर्टन वैल्यू से ज़्यादा होता है, हम उसको लॉजिक दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 10 साल से ज़्यादा वर्कर आपने इस कॉलम के अंदर हाईलाइटेड करने हैं, तो व्यूअर्स सबसे पहले आपको वो सेलेक्टेड एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। व्यूअर्स आप अपने पूरे टैक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और किसी कॉलम्स को आप अगर सेलेक्ट करना चाहें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा आप टोबल, ये बॉटम एक एरो की एक ट्राइंगल सी आपको शो हो रही है डाउनफॉल की तरफ, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पूरी की पूरी स्प्रेडशीट सेलेक्ट हो जाती है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, पूरी की पूरी स्प्रेडशीट जो है वो सिंपल इस एरो क्लिक करें सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन हम फिलहाल इसी कॉलम्स के अंदर जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस एक कॉलम के ऊपर, इसके फर्स्ट वाले कॉलम को जो है वो एक्टिव करें, और शिफ्ट एरो की प्रेस करते हुए आप जहाँ तक डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वहाँ तक डाटे को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, आप उस डाटे को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो बटन है उसके ऊपर आप क्लिक कर लें। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद व्यूअर्स यहाँ से देखिएगा आपके पास दो तीन ऑप्शंस अपेयर हो जाती हैं। हाईलाइट सेल रूल्स हैं, टॉप बॉटम रूल्स हैं, डाटा बार्स हैं। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं हाईलाइट सेल रूल्स को। आप हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर, एरो के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये 5-6 और ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टैक्स, डेट कंटेन, ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं व्यूअर्स वो है ग्रेटर दैन। हमने एमएस एक्सेल को ये ऑप्शन देनी है कि जो वर्कर हमारे 10 साल से ऊपर हैं हमें उनके टैक्स, उनके ईयर्स के सेल्स को हाईलाइट करना है। तो हम यहाँ पे फिर ग्रेटर देन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके पास ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स फॉर्मेट, ये ग्रेटर देन यहाँ एक वैल्यू है। ठीक है, आपने 10 ईयर से ऊपर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर 10 इंटर कर दें, जो वैल्यू 10 से ग्रेटर होगी। थोड़ा सा मैं यहाँ से ये देखिएगा, आप अगर यहाँ नीचे थोड़ा सा गौर भी करें तो यहाँ पर जैसे मैंने 10 इंटर किया तो जो वैल्यूज़ 10 से ग्रेटर थी उनको हाईलाइटेड जो है वो शो हो रही हैं। और कौन सी कलर यहाँ पे देखिएगा विद शो हो रहे हैं, लाइट रेड विद फिल डार्क रेड टैक्स, ये हाईलाइटेड की एक फॉर्मेटिंग है वो शो हो रही है। आप यहाँ से इस फॉर्मेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं, येलो फिल विद डार्क भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से येलो फिल कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से फॉन्ट स्टाइल्स को भी यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और
यहाँ से आप उसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर अप्लाई करना चाहें तो आप क्लाइंट बॉर्डर भी दे सकते हैं। फिल कलर को चेंज करना चाहें तो आप फिल कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बॉर्डर अप्लाई कर दें, फॉन्ट अप्लाई कर दें, इसी तरह आप यहाँ से फॉर्मेटिंग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं व्यूअर्स। अभी देखेंगे कस्टम फॉर्मेट मैंने जो चेंज किया था वो फॉर्मेटिंग आ रही है टेक्स्ट के ऊपर, और आप सिंपली व्यूअर्स आपके ऊपर यहाँ से व्यूअर्स क्लिक कर दें तो देखिएगा व्यूअर्स आपके डाटा पे जितनी भी वैल्यू 10 से ग्रेटर देन थी वो हाईलाइटेड हो गई, ठीक है, ये हाईलाइटेड हो गई है, ठीक है। अब व्यूअर्स आप दोबारा से एक न्यू कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, इस कंडीशन को आप रिमूव कर लें। आप व्यूअर्स जो है इस कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करें, आपके इस कॉलम बार से आप इस कॉलम को सेलेक्ट करें, और व्यूअर्स यहाँ से एक देखिएगा आपके पास एक क्लियर की ऑप्शन मौजूद है, आपके होम टैब के अंदर एडिटिंग में क्लियर की ऑप्शन मौजूद है। आप इस क्लियर के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके पास डिफरेंट क्लियर से रिलेटेड ऑप्शन आती हैं। क्लियर आल करें, और जब आप क्लियर आल करेंगे आपके टैक्स भी रिमूव हो जाएगा, फॉर्मेटिंग भी रिमूव हो जाएगी, जो आपने फार्मूले लगाए हुए हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। आप क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो सिंपली फॉर्मेटिंग की चेंजिंग होगी, टेक्स्ट कलर चेंज होगा, आपके जो फार्मूले हैं वो बरकरार रहेंगे और जो कंटेंट है वो बरकरार रहेगा। अगर आप क्लियर कंटेंट को करेंगे तो आपने कोई जितना भी कंटेंट आपके अंदर डाला हुआ है वो सब का सब रिमूव हो जाएगा आपके सेल्स के अंदर। इस तरह क्लियर कमेंट्स करेंगे तो इस पूरे ही कॉलम जो सिलेक्टेड कॉलम है इसके अंदर जितने भी कमेंट्स हैं तो आप उन कमेंट्स को भी रिमूव कर सकते हैं व्यूअर्स। यहाँ से व्यूअर्स हम सिर्फ करंटली क्लियर फॉर्मेट्स कर देते हैं, तो ये फॉर्मेट्स जो हैं वो व्यूअर्स हमने फॉर्मेट्स को क्लियर कर दिया और फॉर्मेट्स क्लियर हो चुके हैं। यहाँ से इसको बोल्ड करके थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो जैसे मैंने फॉर्मेट को क्लियर किया तो तमाम फॉर्मेट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब व्यूअर्स मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे जो है वो एक लेस देन वैल्यू शो हो। पहले हमने चेक की थी ग्रेटर देन, अब हम चेक करते हैं लेस देन। हम इस पर यहाँ पे लगा देते हैं जो लेस देन वैल्यू है वो 5 ईयर से लेस देन वैल्यू, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अपने इस शिफ्ट से एरो की दबाते हुए व्यूअर्स आप अपने डाटे को जहाँ तक जो है वो सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट सेल रोल्स के अंदर अब व्यूअर्स लेस देन पे आप क्लिक करते हैं तो लेस देन वैल्यू आप रखना चाहते हैं 5। भाई 5 ईयर से जितने भी ईयर्स वर्कर्स के काम में आप यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। मैं फॉर्मेटिंग वही रहने देता हूँ, यहाँ से व्यूअर्स लेस देन 5 ईयर्स को करके ओके कर देता हूँ। ये देखिएगा ये जो जितने भी कॉलम्स हैं सेल्स में वैल्यूज लेस देन 5 है वो हाईलाइटेड हो चुकी है व्यूअर्स। देखिएगा 2, 3, 4, 5 से लेस देन जितनी भी है व्यूअर्स वो हाईलाइटेड हो चुकी है व्यूअर्स। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हम क्विकली अप्लाई कर सकते हैं अपने टैक्स के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मजीद ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वॉचिंग द बिल्ड ई लर्निंग।